हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग पूजना ठीक नहीं है। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, इंसान कितना भी बुरा हो, कितना भी बुरा हो, एक ना एक दिन कभी ना कभी वो सच जरूर बोलता है। इसी तरह से हुआ है दोस्तों, रजत शर्मा आप जानते होंगे, रजत शर्मा इस बार सच बोला है। संभल मस्जिद को लेकर जो कुछ हुआ, जो वहां पर बवाल हुआ, पुलिस ने जो किया, इन सब को मिलाकर रजत शर्मा ने जो बोला है बिल्कुल सच बोला है। इस बार इसकी वीडियो आप लोग देख लीजिए, पहले देखे हैं या नहीं देखे हैं ये वीडियो जरूर आप लोग देखिए, क्योंकि इस बार बिल्कुल सच बोला है। देखिए, संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया। 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है, हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। देख लिए कानून को किसने तोड़ा, कहां पर गलती हुई, क्यों ये बवाल हुआ, रजत शर्मा ने बता दिया, सच बताया है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।